रत्नेश्वरी का चचेरा देवर शहर जाता है। अब चाची को लगता है कि उसकी स्कूल वाली चपरासी की नौकरी परमेश्वरी का सगा देवर गणेश ले ले तो वो नौकरी घर में ही रहेगी। मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। मगर वो तो नाटक वाला है, नौकरी थोड़ी ही करेगा। सब नाटक वाले मिलकर परमेश्वरी को वो नौकरी लेने के लिए चढ़ा देते। हाँ, औरत जात को कम न समझ, चंडी बन सकती है। वो उसी विचार में बहकर छोटे पाटिल से बात करती है। जब औरत प्रोफेसर भी बन सकती है, मास्टर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो चपरासी बनने में क्या मुश्किल बात है? वो नौकरी करने जाएगी। अरे दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? दीदी तुम नौकरी करोगी? धन्य हो, धन्य हो। उसके सास को तो नाटक वाले फंसा लेते हैं। वो मास्टर जी से भी इतनी जोर से बात करती है। मैंने देहात में किसी औरत को चपरासन की नौकरी करते हुए नहीं देखा। तो क्या हुआ कि उसे स्कूल के चपरासन की नौकरी सचमुच मिल जाती है। परमेश्वरी, नौकरी देते समय मैंने क्या शर्त रखी थी याद है ना? ये अंगूठा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम्हें कम से कम अपनी दस्तखत तो करनी होगी। जी मास्टर जी। वो तो तू 10 बार बता चुकी है
मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया तू कैसे आ गई उसके बहकावे में। तूने बहू को नौकरी करने की इजाजत तो दे दी, पर ये सोचा भी? जवान औरत है, मर्द यहाँ नहीं है, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो गांव वाले थूकेंगे तेरे मुंह पे। मैं गणेश के लिए नौकरी लेके आई और तूने अपने बहू को भेज दिया। पर छोटे पाटिल ने कहा कि ठीक है। उनका क्या, वो ठहरे बड़े लोग, अपनी बहू को थोड़े भेजेंगे नौकरी करने। बच्चों ने पाटलन का नाम ले लिया और तू धोखा खा गई। पर अब पीछे हटने से पाटिल नाराज हो जाएंगे। बुआ तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तू बहू को बता दे कुछ भी करके अपने आदमी की इजाजत ले ले, अगर उसे कोई एतराज ना हो तो हमारा कुछ नहीं, फिर जिम्मेवारी उसकी। हाँ ये ठीक सुझाया तुमने, अब आने दो उसे स्कूल से। मुझे भूख लगी, मुझे जल्दी खाना देती हूँ। दे 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 रोटी दे दो पहले। अरे देती हूँ। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, जा जा तू हाथ मुंह धो ले, जा जल्दी। देती हूँ, ला ला मैं करती हूँ, तू उसे खाना दे दे। जल्दी तुम अभी तो आई हो, जरा बैठो तो देती हूँ मैं उसे। अरे जा रही, उसे बड़ी जोरों की भूख लगी होगी, जा जल्दी ना। तेरे पेट में क्या आग जल रही है? अकाल से आया है मानो। तू कब आई स्कूल से? जी अभी आई हूँ। देख बहू, न इस घर में हाथों की कमी है न काम करने वालों की, लेकिन अपने इस गांव में कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की है अब तक। सो पहले तू अपने आदमी से इजाजत ले और खुशी से नौकरी कर, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तब तक तेरी ये नौकरी हमारे सर पर तलवार की तरह लटकती रहेगी, समझ गई ना? मगर मैं देख देख मैंने एक बार कह दिया है, अब बहस मत कर। हाँ दीदी जरा अंदर आ जा तू। खा लो दीदी। खा लो ना, भूख लगी होगी। भाभी मुझे भी भूख लग गई। मैं उसे देती हूँ। तुम तो खा लो। पैसा वैसा कमर को बांध के रखना घर का खर्च। मेरे लिए किताबें ले आना भैया। परमेश्वरी इसकी चिंता मत करना। कहते हैं दिवाली में आएंगे, अगर यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या करें, कैसे बुलाएं उनको? अरे मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम चिट्ठी लिख सकती हो। भी तुम्हें खाने का समय नहीं मिला था, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? माँ ही कुछ बोली होगी। इतनी अच्छी नौकरी मगर देवर जी करने को तैयार नहीं। मैं तो परिवार की सोच रही हूँ, मैंने सोचा यूं ही हाथ से कैसे जाने दूं। स्कूल की चपरासी औरत बने तो क्या होता है? सासू जी कहती है इनकी इजाजत ले लो, पर कैसे ले लूं इजाजत? प्रोफेसर ही पता दे गई है, मगर मुझे तो चिट्ठी लिखना आता नहीं। मैं लिख सकती तो मैं तुम्हारी मदद करती, और मैं ना करती
मच्छिंदर, मेरा एक काम करोगे? अभी नहीं भाभी, देखो कितना काम कर रहा हूँ मैं। सुन बेटा सुन, तेरे भैया को चिट्ठी लिखनी है। भाभी तुम और भैया को चिट्ठी लिखोगी, कितनी मजे की बात है। अपने पोस्टमैन चाचा अब उसकी नौकरी छोड़ने वाले हैं। क्यों क्यों क्यों? उसका काम जो बढ़ने वाला है। बेरी माई ने अपनी बहू को कहा कि तू अपने पति को चिट्ठी लिख और नौकरी करने की परमिशन ले आ। तो अब दोनों तरफ से चिट्ठियों की बाजो आने वाली है। लो कुछ, तुम्हें अपने चारों पैरों पर खड़े रहना है। अरे नहीं रे, नहीं रे, लव कुछ जानवर नहीं है जो उनके चार पैर होंगे। क्यों? दोनों को मिला के चार नहीं हुए? देवर जी सुनो तो। देख गणेश, सीता का पति उससे बहुत दूर है, वो बड़ी स्वाभिमानी औरत है, वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे भी उसके जैसी अनाथ जिंदगी जिए, इसीलिए वो उनको अच्छी शिक्षा देना चाहती है। सोचो, अपनी आवाज में थोड़ी भावना लाओ। मैं करके दिखाता हूं। मच्छों मेरे लाडलो, वक्त पे अपने काम कोई नहीं आता, खुद को ही अपने चारों पैरों पे, मतलब पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, इसीलिए तुम गुरु वाल्मीकि से शिक्षा हासिल कर लो तो आगे किसी के भी सामने भीख की झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कठिनाई का सामना तुम खुद कर सकोगे। वाह, क्या डायलॉग मारा है, देखना भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाभी भाभी कुछ कहने आई थी? देवर जी तुम्हें थोड़ा टाइम है मेरे लिए? भाभी मुझे कहाँ टाइम है, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, रिहर्सल है। मैं भी तुम्हारे जैसी हूं, तुम्हें भी इस अक्षर का कोई मतलब नहीं, मुझे भी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी।
ये मेरी कॉपी में से कागज किसने फाड़ा? मच्छिंदर, मैंने कुछ लिखा है, पढ़ोगे? जल्दी दो भाभी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, इम्तिहान सर पर है। कौन सी मुर्गी नाचे इस कागज पर? अरे पढ़ तो। म पर म सर। अच्छे अक्षर लिखे है तूने भाभी। अरे ये तो सिर्फ अक्षर है, इनका कोई मतलब नहीं। तो तूने क्या कहानी लिखी है? तुम ये चिट्ठी रामपुर के डाकघर में जाकर पोस्ट कर दो, वहां से जल्दी जाएगी। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ तो परमेश्वरी, कल तुम पूछ रहे थे कि कल के बाजार से क्या लाना है ना? नहीं मास्टर जी, मेरी भी चिट्ठी भेजनी है। अरे तूने चिट्ठी लिखी है? तू तो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानती है, पर तूने चिट्ठी लिखी है, पढ़ू मैं? हाँ आप पढ़िए। मैं परमेश्वरी, मुझे गांव के स्कूल में चपरासन की नौकरी मिली है। सासू जी कहती है आप अपनी इजाजत भेजो, यहाँ सब कुशल। तू जो कह रही है ना परमेश्वरी, वो इसमें नहीं लिखा है, ये तो अलग अलग अक्षर हैं। मैं परमेश्वरी लिखने के लिए तुम्हें इन अक्षरों को ऐसे डंडे लगाने होंगे। अब तुम चिट्ठी लिखना चाहती हो ना? बस तुम्हारी यह चाहत है, तुम्हें लिखना पढ़ना जरूर सिखाएगी। अब यह चिट्ठी तुम्हारी मैं लिखूंगा, तुम सिर्फ यह दस्तखत करो, अगली चिट्ठी तुम लिखोगी। तारीख 12 जनवरी 1995, गांव मांढर। परमेश्वरी का सादर प्रणाम। मुझे यहाँ के स्कूल में चपरासन की नौकरी मिली है। सासू जी कहती हैं आपसे इजाजत ले लो, यहाँ सब कुशल। आपकी लो, यहाँ तुम दस्तखत कर लो। बहुत बढ़िया,
इन अक्षरों को अब ऐसे डंडे लगाने होंगे, परमे सरी बराबर।